एक ऐसा लड़का जो कई लड़कियों और लड़कों के साथ स्विमिंग पूल में करीबन 75 लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। फिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लड़का उस स्विमिंग पूल से अचानक गायब हो जाता है? एक्चुअली में उस लड़के के साथ क्या हुआ था ये मैं आपको एक रियल वीडियो में आगे दिखाऊंगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। बात है 22 जुलाई साल 2022 इसराइल देश की, जहाँ पर एक कलील नाम का लड़का अपने 75 दोस्तों के साथ एक स्विमिंग पूल की पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, जिसके लिए ये लोग एक विला मतलब एक बहुत बड़े बंगलो को रेंट पर लेते हैं, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं थी, स्विमिंग पूल भी था, मतलब सब कुछ था। अब सारे लोग एक्साइटेड थे, खुश थे इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो इस पार्टी को एक यादगार पार्टी बनाना चाहते थे। तो पार्टी जब शुरू होती है तो सभी लोग उस स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और उस टाइम पर कलील नाम का ये लड़का अपने एक दोस्त के साथ स्विमिंग पूल में पैर डालकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों दोस्त स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं और मस्ती से नहाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उस स्विमिंग पूल में एक भंवर जैसा शुरू होता है, मतलब कि पानी गोल गोल घूमने लगता है और स्विमिंग पूल का पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, जिसमें कुछ लोगों के टॉवल और सामान भी चला जाता है। तभी आसपास खड़े गार्ड उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ। उस टाइम स्विमिंग पूल में करीब 50 लोग थे, 50 में से कुछ तो बाहर आ गए, और जब स्विमिंग पूल का पूरा पानी धीरे धीरे बिल्कुल ही कम होने लगा तो धीरे धीरे लोग भी बाहर निकलने लगे, और कुछ टाइम बाद स्विमिंग पूल का सारा पानी उस गड्ढे में चला जाता है। इस वक्त जो गड्ढा आप तस्वीर में देख रहे हैं ये वही गड्ढा है। उसके बाद वहाँ का गार्ड उन सारे 75 लोगों की काउंटिंग करता है, तो पता चलता है कि वो 75 नहीं बल्कि 74 लोग हैं, जिसमें से क्लील नाम के लड़के का कोई अता पता नहीं होता। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है और रेस्क्यू टीम को भी बुलाया जाता है, और पुलिस एक कैमरे को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में नीचे तक डालती है। तब पता चलता है कि ये गड्ढा करीब 50 फुट नीचे तक है, और जब कैमरा 50 फुट नीचे तक पहुंचता है तो पता चलता है कि कलील नाम का लड़का उसी में था। था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक वो लड़का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और जब उस लड़के को बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। लेकिन ये घटना हुई कैसे? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जो स्विमिंग पूल बनाया गया था वो सरकार की किसी भी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। और जो मैं आपको रियल वीडियो दिखाने की बात कर रहा हूँ, दरअसल फेसबुक की पॉलिसी ऐसी वीडियो को दिखाने के लिए अलाउ नहीं करती है, इस वजह से मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट में डाल देता हूँ, वहाँ देख सकते हैं।